अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एपिसोड 39 ऑफ कानूनदान्स वीकली केस लॉ बुलेटिन। हर वीक की तरह इस एपिसोड में भी हम लास्ट वीक में रिपोर्ट की गई मेजर जजमेंट्स को आप तक पहुंचाएंगे और उनमें डिस्कस किए गए मेन प्रिंसिपल्स को एनालाइज करेंगे। तो आइए लेट्स बिगिन विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शहनाज अख्तर एंड अदर वर्सेज सैयद एहसान उर रहमान एंड अदर्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सिविल पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट नंबर वन ने पिटिशनर के खिलाफ एक सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसिलेशन, परमानेंट और मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया और कहा कि उन्होंने पिटिशनर नंबर वन को अपने जनरल अटॉर्नी के तौर पर अपॉइंट किया। अलबत्ता पिटिशनर नंबर वन ने फ्रॉड के जरिए एक NOC हासिल कर लिया और रिस्पोंडेंट नंबर वन का प्लॉट पिटिशनर नंबर टू को ट्रांसफर कर दिया। ये सूट ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, लेकिन एपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे अलाउ कर दिया। इस केस के फैक्ट्स पर कोर्ट के सामने दो मेन इशूज थे। पहला इशू यह था कि क्या एक अटॉर्नी प्रिंसिपल की रजामंदी या कंसेंट के बगैर प्रॉपर्टी गिफ्ट या सेल कर सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि आम तौर पर इस बात में कोई शक नहीं कि एक एजेंट सिर्फ अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर पावर ऑफ अटॉर्नी में दिए गए मैंडेट के मुताबिक ही एक्ट कर सकता है। एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के एक्ट्स को रेटिफाई कर सकता है। सेल के केसेस में भी एजेंट सेल अमाउंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिसीव करता है और जब तक पावर ऑफ अटॉर्नी कंसिडरेशन के लिए एग्जीक्यूट ना की गई हो, एजेंट पे ये मॉरल और कानूनी ऑब्लिगेशन होती है कि वे सेल अमाउंट प्रिंसिपल को दे दे। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी कंसिडरेशन के लिए एग्जीक्यूट ना की गई हो तो प्रिंसिपल इसे किसी भी वक्त रिवोक कर सकता है। इस केस के फैक्ट्स पर प्रिंसिपल ने पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल या रिवोक नहीं किया और ना ही इस चीज़ को डिनाई किया कि उन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की, जिसमें पिटिशनर को बहुत वाइड या वसी पावर्स दी गई है जो कि अटॉर्नी के हक में अपनी राइट्स सरेंडर कर देने के मुतरादिफ ही था। कोर्ट ने कहा कि इस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी को पढ़ने से पता चलता है कि यह एक सिंपलिसिटर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी और इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 202 के तहत प्रोटेक्शन हासिल थी। यह पावर ऑफ अटॉर्नी ना तो कैंसिल या रिवोक की गई, ना ही इसकी कैंसिलेशन के लिए सिविल सूट दायर किया गया और इस पावर ऑफ अटॉर्नी की एग्जिस्टेंस के दौरान थर्ड पार्टीज के इंटरेस्ट भी क्रिएट किए गए। इस केस का सेकंड इशू ये था कि सरेंडर और रिलीज के दरमियान क्या फ़र्क है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि लव्स सरेंडर में ये प्री सपोज किया जाता है कि जिस चीज़ को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली गिव अप किया जा रहा है, उस चीज़ की ओनरशिप या पोजीशन भी उसी शख्स के पास थी। अलबत्ता रिलीज़ का मतलब होता है किसी ऐसे राइट ऑफ एक्शन को डिस्चार्ज करना जो कि एक शख्स का किसी दूसरे के खिलाफ हो या जो उसके अपने पास हो। एक एक्सप्रेस रिलीज एक डीड के थ्रू होती है, जबकि एक रिलीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक्सप्रेसली नहीं होती, बल्कि लॉ प्रिज्यूम करता है कि रिलीजर के किसी एक्शन की वजह से ये रिलीज हो गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्वेटा एंड अनदर अगेंस्ट फिदा मोहम्मद एंड अदर्स। अपेलेंट्स ने बलूचिस्तान सर्विस ट्रिब्यूनल क्वेटा की पास की गई जजमेंट को चैलेंज किया, जिसमें रिस्पोंडेंट्स की फाइल की गई सर्विस अपील अलाउ हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल ये था कि क्या डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को सुने बगैर नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इशू हुई हो, उसे विड्रॉ कर सकती है। दूसरा ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेस्टेड राइट कैसे डिफाइन होगा। और तीसरा ये कि जब एक ऑर्डर पास हो जाए तो क्या वो इरिवोकेबल और एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पहले सवाल पे कहा कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को सुने बगैर नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इशू हुई हो, उसे विड्रॉ नहीं कर सकती। दूसरा ये कि वेस्टेड राइट का डॉक्ट्रिन ये अपहोल्ड करता है कि जब एक राइट एक लोकैल में कॉइन होता है, उसकी एग्जिस्टेंस हर जगह रिकग्नाइज होनी चाहिए और उस पे बेस्ड क्लेम्स प्रोटेक्शन के लिए अंडर द लॉ इन्फोर्सिबल हैं। और आखिर ये कि जब एक ऑर्डर पास हो जाए तो वो इरिवोकेबल और एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन बन जाता है, लेकिन अगर ऑर्डर इलीगल है उसकी बेसिस पे परपेचुअल राइट्स नहीं गेन हो सकते। 2022 CLC 1083। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर मुतअद्दिद कनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस में पिटिशनर्स ने सब रजिस्ट्रार की जानिब से पावर ऑफ अटॉर्नी पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की पेमेंट के नोटिसेस को चैलेंज किया। इस केस के फैक्ट्स पर CVT पहले पंजाब फाइनेंस एक्ट 2010 के नीचे इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इन प्रोविजंस को पंजाब फाइनेंस एक्ट 2012 के सेक्शन 6 के थ्रू सब्सटीट्यूट कर दिया गया और आखिरकार इसे पंजाब फाइनेंस एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के जरिए अबॉलिश कर दिया गया। पिटिशनर्स के मुताबिक उन पर इस टैक्स की रिकवरी का नोटिस 2021 में सर्व हुआ, तकरीबन 10 साल के पीरियड के बाद, और इन्हें इससे मुतलिक कोई राइट ऑफ हेयरिंग भी नहीं दी गई। इस केस में कोर्ट के सामने एक ही मेन इशू था कि 2010 के एक्ट के तहत और 2012 के एक्ट के तहत CVT से मुतलिक प्रोविजंस को किस तरह इंटरप्रेट करना चाहिए। अब 2010 के एक्ट के मुताबिक CVT हर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा
जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफ़र की जाए। 2010 के एक्ट के नीचे ये टैक्स पे करने की जिम्मेदारी उस शख्स पर थी जो कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को रजिस्टर करवा रहा था, और इस सेक्शन के नीचे पास किया गया ऑर्डर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के नीचे अपील, रिविजन और रिव्यू के लिए अमीनेबल था। इसके बाद 2012 के एक्ट का सेक्शन 6 2010 के एक्ट के सेक्शन 6 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था, और 2010 और 2012 के एक्ट्स के सेक्शन 6 में मेन डिफरेंस ये था कि 2012 के एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 7 से लेकर 17 तक पुरानी प्रोविजन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। अब कोर्ट के मुताबिक 2012 के एक्ट का सेक्शन 6 सब सेक्शन 16 कहता है कि सेक्शन 69 और सेक्शन 614 के नीचे दी गई पावर्स रेलिवेंट टैक्स ईयर के ख़त्म होने के 5 साल बाद एक्सरसाइज नहीं की जाएगी, और इस टैक्स के मुतलका असेसमेंट 5 साल में ही कैरी आउट हो जानी चाहिए। अलबत्त इस अरसे के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई ऑफिसर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के नीचे इस टैक्स को रिकवर कर सकता है, और उसका ये डिसीजन अपील, रिव्यू या रिविजन में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि 2012 के एक्ट के थ्रू इंसर्ट की गई ये प्रोविजंस प्रोसीजरल नेचर की थी, ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल थी, और 2010 के एक्ट के नीचे सीवीटी के प्रोसेस को भी अप्लाई करती है। इसीलिए कोर्ट के मुताबिक इस केस में पास किया गया रिकवरी का नोटिस लॉ के मुताबिक नहीं था, क्योंकि इसे पिटिशनर को राइट ऑफ हेयरिंग दिए बगैर इशू किया गया था। ये कोर्स ऑफ एक्शन पिटिशनर की कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 4, 10A और 25 के तहत प्रोवाइडेड राइट्स को चैलेंज करता था। इन्हीं सब फाइंडिंग्स की बेसिस पर इन पिटिशंस को अलाउ कर दिया गया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट डाटा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। इस रेगुलर फर्स्ट अपील के जरिए अपेलेंट ने जज बैंकिंग कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया है। अदालत के सामने सवाल ये था कि सुपीरियर कोर्ट्स की डायरेक्शन को स्ट्रिक्ट एडहेरेंस के मामला एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डिसाइड हो, क्या कोर्ट्स के लिए रुकावट तो नहीं पैदा करता कि वो मामला अनड्यू हेस्ट में डिसाइड करें और नतीजतन एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम फ्रेम की रिक्वायरमेंट डज नॉट स्टैंड इन द वे कंसिडरिंग कि पार्टीज को ड्यू अपॉर्चुनिटीज दी गई हों। लाहौर हाई कोर्ट, सुहेल लियाकत वर्सेस सलमा शाहीन एंड 3 अदर्स। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 और 2 की जानिब से फाइल किया गया सूट डिक्री कर दिया गया। अलबत्त उन्हें पोजेशन का रिलीफ ग्रांट नहीं किया गया, और पिटिशनर की जानिब से फाइल किया गया सूट डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि दोनों ही पार्टीज इस फैसले से अग्रीव थी। दोनों ने ही अपनी अपनी अपील्स फाइल की, और कंसोलिडेटेड जजमेंट्स और डिक्री के थ्रू ये होल्ड किया गया कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 घर की पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड थे। इस केस में कोर्ट के सामने 2 मेन इशूज थे। पहला इशू यह था कि क्या निकाह नामे के कॉलम्स 13-15 और 16 इंडिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कॉलम्स 13-15 और 16 अलग अलग और इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये कॉलम्स निकाह के वक्त हस्बैंड और वाइफ के दरमियान दो डिफरेंट अंडरटेकिंग्स के साथ डील करते हैं, और इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। कॉलम्स 13-15 में डावर का जिक्र किया जाता है, जैसे कि डावर की अमाउंट क्या है, क्या वो प्रॉप्ट है या डिफर्ड, या क्या निकाह के वक्त कोई डावर पे हुआ है या नहीं। दूसरी जानिब कॉलम नंबर 16 एक अलग और इंडिपेंडेंट कॉलम था, क्योंकि ये निकाह में एंटर होने के वक्त हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक स्पेशल कंडीशन से रिलेट करता था। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या कॉलम नंबर 16 में स्टिपुलेट किया गया स्पेशल कंडीशन कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि कॉलम नंबर 16 में मेंशन किए गए स्पेशल कंडीशन को इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी पार्टी वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 के स्केड्यूल के मुताबिक फैमिली कोर्ट को अप्रोच कर सकती है। शाइस्ता नौनीन साजिद अगेंस्ट कतर एयरवेज इंटरनेशनल एक्सेट्रा। अपेलेंट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट लाहौर की जजमेंट को चैलेंज किया है, जिसमें अपेलेंट का क्लेम फाइल्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 वाज डिसमिस्ड। अदालत के सामने सवाल ये था कि एक एफिडेविट पर से को क्या एविडेंस कंसिडर किया जा सकता है। जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ ने कहा कि एक एफिडेविट पर से को एविडेंस नहीं कंसिडर किया जा सकता अनलेस पार्टीज ने कंसेंट किया हो या अनलेस किसी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ में स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड हो। जहां पर एफिडेविट को बतौर एविडेंस यूज़ किया भी जाए, वहां कोर्ट के ऑर्डर 19 में प्रिस्क्राइब प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट, प्रेजिडेंट द बैंक ऑफ पंजाब एटसेट्रा वर्सेज अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एटसेट्रा। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटिशन के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर पिटिशनर ने सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की, क्योंकि उनके मुताबिक पिटिशनर बैंक एक ट्रांसप्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसकी वजह से एक प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन उनके खिलाफ एक लेबर डिस्प्यूट सुन नहीं सकती थी।
अलबत्ता अथॉरिटी ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत फाइल की गई ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और इसी बात से अग्रीव होकर पिटिशनर ने ये रिट पिटिशन फाइल की। इस केस में कोर्ट के सामने दो मेन इशूज़ थे। पहला इशू ये था कि लेबर डिस्प्यूट्स में जुरिस्डिक्शन को कैसे एसर्टेन या डिटरमिन किया जाता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जुरिस्डिक्शन डिटरमिन करने के लिए डिस्प्यूट का नेचर नहीं देखा जाता बल्कि एम्प्लॉयर के स्टेटस को देखा जाता है। इस केस का सेकेंड इशू ये था कि क्या लेबर डिस्प्यूट्स जो कि लेबर लॉ के तहत गवर्न किए जाते हैं एक प्रोविंशियल फोरम के ऊपर डील किए जा सकते हैं। इस मौजू पर कोर्ट ने कहा कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट प्रोविंसेस के बाउंड्री से बालातर होकर काम कर रही हो तो प्रोविंशियल लेवल पर इस्टैब्लिश किया गया कोई क्वाजा जुडिशल फोरम के पास इनसे मुतालिक लेबर डिस्प्यूट्स डिसाइड करने की अथॉरिटी नहीं होती। इस तरह के डिस्प्यूट्स के लिए पार्टीज को नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन के पास जाना चाहिए ना कि किसी प्रोविंशियल फोरम के पास। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर अगेंस्ट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड 12 अदर्स। पिटिशनर कंपनी ग्रीव थी ऑफ बिड इनवाइटेड फॉर इवेंट मैनेजमेंट services to be rendered during Expo 2020. Chief Justice Ahmed Ali M. Sheikh और Justice Yusuf Ali Saeed ने कहा कि ऐसा कोई cogent material नहीं था जिससे ये deduce हो कि procurement proceedings किसी procedural lapse on part of authorities या grievance redressal committee से disturb हुई हों। Petitioner कोई case नहीं make out कर सका। सिर्फ allegations कि proper right of audience नहीं दिया गया था कोई ऐसा factor नहीं था जिसे agitate किया जाए। 2022 CLC 1160 मिसेस गीता नारायण शाहानी वर्सेस श्याम प्रेम शाहानी। ये केस सिंध हाई कोर्ट के सामने एक मिसलेनियस अपील के तौर पर पेश किया गया। इस केस के फैक्ट्स पर अपेलेंट्स ने अपने हक में एक लेटर ऑफ प्रोबेट इशू करवाया। अलबत्ता रिस्पोंडेंट्स ने सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 263 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल की जिसके थ्रू उन्होंने इस लेटर ऑफ प्रोबेट की इशुएंस को चैलेंज किया। रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक अपेलेंट्स ने जानबूझकर उन्हें एप्लीकेशन में साइट नहीं किया जबकि रिस्पोंडेंट्स डिसीज्ड के असली लीगल हेयर्स थे। इस केस में कोर्ट के सामने एक मेन इशू था, वो ये कि क्या एक लेटर ऑफ प्रोबेट विल की जेन्युइननेस या ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश किए बगैर ग्रांट किया जा सकता है। इस इशू पर कोर्ट ने कहा कि प्रोबेट कोर्ट टाइटल के क्वेश्चन में नहीं जाता और उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो विल की जेन्युइननेस को एस्टैब्लिश करे। इस केस के फैक्ट्स पर डिसीज्ड के विल को चैलेंज किया गया था। इस केस के फैक्ट्स पर ना तो ओरिजिनल विल प्रोड्यूस की गई और ना तो किसी अटेस्टिंग विटनेस को सामने लाया गया जो कि विल की ऑथेंटिसिटी को एस्टैब्लिश कर सकता। 1955 AIR 566 के तहत अगर किसी विल की जेन्युइननेस को चैलेंज किया गया हो तो ग्रांट किया गया लेटर ऑफ प्रोबेट रिवोक किया जा सकता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का लेटर ऑफ प्रोबेट अनल करने का फैसला बिल्कुल ठीक था और अपेलेंट के हक में पास किया गया ओरिजिनल ऑर्डर सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 263 की एक्सप्लेनेशंस ए टू सी और इलस्ट्रेशंस 1 और 2 के खिलाफ था। इसी इशू की बेसिस पर इस अपील को डिसमिस कर दिया गया। मलिक मोहम्मद जाहिद अगेंस्ट फिदा मोहम्मद एंड 3 अदर्स। पिटिशनर ने कॉन्करेंट डिसमिसल ऑफ हिज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC को असेल किया। जस्टिस मोहम्मद नईम अनवर ने कहा कि पिटिशनर का क्लेम ऑफ बीइंग ओनर ऑफ 50 मरलाज इन द प्रॉपर्टी मेजरिंग 68 मरलाज रेंट कंट्रोलर नहीं डिसाइड करेगा बल्कि रेंट कंट्रोलर टाइटल के सफेयर में ही नहीं आता। सेक्शन 12(2) CPC के अंडर एप्लीकेशन डिग्री पास होने के 8 साल बाद फाइल हुई लिहाजा वो टाइम बार्ड थी। पिटिशनर ने सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 के अंडर भी एप्लीकेशन सबमिट की पर उसके लिए हर दिन का डिले नहीं एक्सप्लेन किया जिसके बायस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन डिसमिस हो गई। और इसके साथ ही आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते कुछ नए केसेस के साथ।